नमस्कार, डीबी भारती समाचार में आपका स्वागत है। मैं निवेदिता। कोरोना काल में चुनाव को प्राथमिकता के आधार पर केंद्र व राज्य सरकार ने पूरा तो कर लिया, पर इसके नतीजे कोरोना भारत में इतना बढ़ गया कि इतने बड़े पैमाने पर मौत ने दुनिया को परेशान कर दिया। आज पूरी दुनिया भारत की स्थितियों को देख कर परेशान है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, आपको जानकारी है, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं। पश्चिमी बंगाल में TMC की सरकार बनी है, यहाँ BJP चुनाव प्रचार को देखते हुए बुरी तरह हारी है और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। पुदुचेरी में NDA की सरकार शपथ लेगी। तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। असल में NDA दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही, जबकि केरल में वर्तमान सरकार ने वापसी की है। आप भारत में कोरोना के हालात देख ही रहे हैं, ऑक्सीजन दवाइयों व बेड की बेहद कमी है, लोग इसके अभाव में दम तोड़ रहे हैं। कल ही एक दिन में नए मरीजों की संख्या 3,86,000 के ऊपर रही। ऐसे में योगी सरकार ने भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवा कर लोगों की जान से खिलवाड़ भी किया है। ड्यूटी पर तैनात न जाने कितने लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। हम आंकड़ों में नहीं उलझना चाहते, इस पर तो न्यायालय ने भी तल्ख टिप्पणी की है राज्य सरकार पर। आपकी नजर में क्या सही है और क्या गलत, ये आप अच्छी तरह जानते और समझते हैं। आज हम एक चर्चा आपके समक्ष रख रहे हैं, इसमें कुछ मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे जिनका परिचय हम आपको कराएंगे। हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, बताइए, कोरोना काल में चुनाव भी संपन्न हो गए, प्राथमिकता के आधार पर संपन्न, 5 राज्यों के चुनाव, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव, तो सरकार ने जरूर पूरे कर लिए। भारत भी इतना बढ़ जाएगा और इतनी भयावह स्थिति में आ जाएगा, इसकी कल्पना न तो प्रदेश सरकारों ने की थी, न केंद्र सरकार ने की थी और न ही पूरी दुनिया ने की। पूरी दुनिया इस समय भारत को देखकर बहुत हैरान और परेशान है, लेकिन स्थितियां भयावह हैं। 3.5 लाख से अधिक प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज भारत में आ रहे हैं और लगभग 3,500 से अधिक प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा भी सरकार दे रही है। ये स्थिति हैरान और परेशान करने वाली है। कोरोना काल में जिस तरह से चुनाव हुए, जिस तरह से रैलियां हुई, जिस तरह से रोड शो हुए, उसका नतीजा तुरंत तो नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और आएगा। आज भारत की स्थिति चिकित्सा के मामले में बहुत ही दयनीय है। ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की भी शॉर्टेज है, बेड की भी समस्या है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। जो लोग बेड पर हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जो लोग वेंटिलेटर पर हैं उनकी अपनी समस्या है, वहाँ भी ऑक्सीजन की समस्या है। तो उस स्थिति में भारत में जिस हिसाब से नए मरीज आ रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, इसकी परिकल्पना करना बड़ा कठिन है। कोरोना काल में योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव करा दिए, बहुत सारे लोग ड्यूटी पर तैनात थे और वो कोरोना की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में किसको दोष दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता है, ये तो आप तय करिए, लेकिन कुल मिलाकर आज की स्थिति को देखते हुए ये तो बिल्कुल सत्य है कि लोग परेशान हैं, लोग भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं, हर घर में कोई ना कोई मरीज है, हर घर में समस्याएं हैं, हर घर में लोग बहुत सारे घरों से चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल में हैं वो बेचारे ऑक्सीजन दवाओं को लेकर रो रहे हैं, जो घर में हैं वो भी परेशान हैं, लोगों के रोज़गार चले गए, लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, लोगों की इनकम बंद हो गई। इस तमाम चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए ये आपको तय करना है कि आज के हालात में
किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये तमाम चीज़ें मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप तय करिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।